इमेजिन सुसाइड स्क्वाड गेट्स इसेकाई। यप, आपने सही सुना। नाउ इमेजिन दीज सुपर विलन्स फ्रॉम डीसी यूनिवर्स आर नॉट इन गॉथम सिटी बट इन अ फैंटेसी वर्ल्ड विद मैजिक एंड मॉन्स्टर्स। हाउ आर यू गोना रिएक्ट टू दिस न्यूज? वेल, गेस व्हाट, दिस शिट टर्न्स आउट टू बी ट्रू। वी हैव अ न्यू एनिमे रिलीज जिसका नाम है सुसाइड स्क्वाड इसेकाई, और ये आती है डीसी यूनिवर्स के एक पॉपुलर फ्रेंचाइज से विद फैन फेवरेट कैरेक्टर्स लाइक डेडशॉट, हार्ली क्वीन, किंग शार्क एंड हाउ कैन वी फॉरगेट अबाउट द पीसमेकर। नाउ यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ एंटरटेनमेंट दिस एनिमे इज ऑफरिंग यू। इस एनिमे की शुरुआत में जहां हमें एक ओर हार्ली क्वीन और जोकर क्राइम करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर अमांडा वॉलर द हेड ऑफ आर्गस फैसिलिटी एक मेटा ह्यूमन से फोर्सफुल्ली दूसरे वर्ल्ड का दरवाजा खुलवाते हुए नजर आती है। सो इन शॉर्ट, अमांडा वॉलर के हत्थे एक ऐसी मेटा ह्यूमन चढ़ जाती है जिसकी सुपर पावर से दूसरे वर्ल्ड्स के दरवाजों को खोलना, और जिस तरीके से यूएस से ऑयल मिलने पर दूसरी कंट्रीज को लिबरेट करने पहुंच जाता है, उसी तरीके से अमांडा वॉलर की ये सुसाइड स्क्वाड अब इस फैंटेसी वर्ल्ड को लिबरेट करने वाली है। आई मीन, इसकी नेचुरल रिसोर्सेज पर कब्जा करने का प्लान है अमांडा वॉलर का। बट द थिंग इज, दिस इज नॉट द फर्स्ट सुसाइड स्क्वाड जिसे अमांडा वॉलर ने इस मैजिकल वर्ल्ड में भेजा है। शिट वेंट रॉन्ग, और अब इसे फिक्स करने के लिए हार्ली क्वीन की सुसाइड स्क्वाड को यहाँ भेजा जा रहा है। यू गाइस नो द ड्रिल, इनके नेक में नैनो बॉम्ब्स को प्लांट करने के बाद इन्हें वहाँ भेज दिया जाता है ताकि ये अमांडा वॉलर के ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें। बट इस वर्ल्ड में आते ही इनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो जाती है। ये उतरते हैं इन द मिडिल ऑफ वार जहाँ दो किंगडम्स के बीच में फाइट हो रही है, और इस बीच इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वेल, प्लेन क्रैश होने के बाद हार्ली क्वीन डिसाइड करती है ह्यूमंस वाली साइड को सपोर्ट करने का, लेकिन इस सब के बावजूद इन्हें उठा के जेल में पटक दिया जाता है। इमेजिन यू जस्ट गॉट इन अ न्यू फैंटेसी वर्ल्ड और आपको उठा के जेल में डाल दिया जाए। हाउ आर यू गोना फील अबाउट दिस? और अब इनकी लड़ाई है वक्त के साथ, एज टाइम बीतता चला जा रहा है, और अगर ये 3 दिन के अंदर वापस से प्लेन क्रैश वाली साइड में नहीं पहुंचे तो इनके नेक्स में जो बॉम्ब्स प्लांट करे गए थे इन्हें भेजते वक्त, वो फूट जाएंगे, और इसी के साथ हार्ली क्वीन और उसकी स्क्वाड भी मर जाएगी। पर एक अच्छी बात इनके साथ यहाँ ये हो जाती है कि जब इन्हें जेल में डाला जाता है तो ये डिस्कवर करते हैं अपनी न्यू सुपर पावर्स को, लाइक हार्ली क्वीन इज सुपर स्ट्रांग नाउ। और अब मैं ये जानने के लिए उतावला हुए जा रहा हूँ कि कैसे ये टाइम को बीट करेंगे और अपनी लाइफ को बचाएंगे, एस 2 दिन इनको जेल में ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड ओ डूड, आई कांट इमेजिन कैसे जोकर हार्ली क्वीन को बचाने के लिए इस काई वर्ल्ड में घुसेगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इस एनिमे को 10 में से 9 की रेटिंग दूंगा। व्हाट अबाउट यू गाइस, हाउ मच यू आर गोना रेट दिस एनिमे? वेल, इस एनिमे के इस वीडियो के रिलीज होने तक 4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं, सो यू बेटर स्टार्ट वॉचिंग इट नाउ एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ वॉज इट। तब तक के लिए आस्ता विस्ता, बाय बाय, सायोनारा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। See ya.